नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के राहतगढ़ में कृषि कर्ज माफी योजना के अंतर्गत दूसरे चरण का शुभारंभ सागर के राहतगढ़ के कृषि उपज मंडी में एक कार्यक्रम के आयोजन के साथ की गई। इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय कृषि मंत्री सचिन यादव उपस्थित रहे। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास, औद्योगिक एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सचिन यादव के मुख्य अतिथि एवं राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में राहतगढ़ कृषि उपज मंडी में एक कार्यक्रम के आयोजन के बाद जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसान सम्मान समारोह का द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मंच से अतिथियों के द्वारा 12 किसानों को किसान सम्मान पत्र दिए गए और उनका कर्ज माफ किया गया। द्वितीय चरण में राहतगढ़ तहसील के 1840 किसानों के लगभग 13,27,00,000 रुपए के ऋण माफ किए जाएंगे। द्वितीय चरण में सागर जिले के कुल 22,000 किसानों के 158,60,00,000 रुपए के कर्ज माफ किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि फसल ऋण माफी के प्रथम चरण में जिले के 50,886 किसानों के 156,21,00,000 रुपए ऋण माफ किए जा चुके हैं। इनमें राहतगढ़ तहसील के 4,332 किसानों के 11,72,00,000 रुपए फसल ऋण शामिल थे। कृषि मंत्री सचिन यादव ने अपना उद्बोधन जय जवान जय किसान के नारे के साथ शुरू किया और उन्होंने कहा कि सरकार ने एक साल की अवधि में जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है और 365 दिन में 365 वचनों को पूर्ण करने की बात भी उनके द्वारा कही गई। जबकि सरकार को 9.5 माह का समय कार्य करने को मिला है, आगामी 4 सालों में किसानों और लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में 20,22,000 किसानों के 7,154 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए थे। इसी तरह द्वितीय चरण में 50,000 से 1,00,000 तक के फसल ऋण माफ किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं सागर से हमारे रिपोर्टर सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। इस बात की आवश्यकता है कि हम जो किसान साथी हैं, जानकारी के अभाव में हम जो रासायनिक खादों को का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसके कारण आज बड़े पैमाने पर ऐसी गंभीर रोग, ऐसी गंभीर बीमारियां जिनके नाम आज तक हम और आप किसान साथियों ने कभी अपने जीवन में नहीं सुना था, आज वैसे रोग जो है हमारे घरों में कर रहे हैं। आज हम अपने गांव में जब नजर उठा करके देखेंगे तो कोई भी ऐसा परिवार, कोई भी ऐसा घर नहीं बचा होगा जहां पर कोई कैंसर का मरीज नहीं होगा, जहां कोई जो हार्ट अटैक की बीमारी से कोई परेशान नहीं होगा, जहां पर डायबिटीज जैसे गंभीर रोग जो है हमारे घर परिवार, हमारे किसान साथियों को होने में। तो साथियों, आज आवश्यकता है कि हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए हम जो है जैविक खेती की तरफ जाएं। परंपरागत जो हमारी खेती होती थी, जो हमारे पूर्वज करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, उस खेती की तरफ आदरणीय साथियों आज जाने की आवश्यकता है। और उसी दिशा में आदरणीय साथियों, मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने और हमारी सरकार ने गौ आधारित खेती को प्रेरित करने, गौ आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार आदरणीय साथियों काम कर रही है। आदरणीय साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल जिन लोगों ने गौ माता के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, लेकिन जब गौ माता की सेवा करने का काम आता था, गौ माता के लिए कुछ साधन संसाधन जुटाने का काम आता था तो ये लोगों ने हमेशा पीछे कदम हटाने का काम किया है। आज अगर सही मायने में गौ माता की सेवा करने का काम कोई कर रहा है, अगर सही मायने में कोई पुण्य कमाने का काम है, उन आदेशों का स्वाक्षर पालन करने का काम आदरणीय साथियों करेंगे। और हमारे और माननीय गोविंद सिंह जी के साथ मिलकर के हमारे विभाग से जो भी हो सकेगा, जो भी उनके निर्देश होंगे, जो भी उनके आदेश होंगे, उन आदेशों को पालन करेंगे। और हम दोनों भाई मिलकर के हमारे इस राहतगढ़ के किसान साथी, इस राहतगढ़ विधानसभा को भी एक आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करने का हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जैसी नगर में और हमारे बिलहरा में अब तरह तरह समझ के मिल जाए थोड़ा थोड़ी, तीनों के लिए हम आपसे, हमने कृषक संगोष्ठी भवन की मांग की थी,
मगर आज देखो आप लोग नोटशीट लिख के ले आए, हम आवेदन नहीं ले आए, और सारी नोटशीट मंत्री जी को देंगे और इनसे आग्रह करेंगे कि हमारे हमारे क्षेत्र में एक कृषक संगोष्ठी भवन बने, ये हमारा सारे किसानों की तरफ से आपसे आग्रह है। तो हम चाहेंगे जब बोले तो कृपा करके हम लोग घोषणा कर दे, हमारी ताली जाए दुगनी बच जाएगी। एक और ये अभी जो कुछ चीजें आपको लगती हैं इनकी संख्या बढ़ाने की बात आई है, एक चैप कटर बढ़वा दें, सीड ग्रेडर बढ़वा दें और पावर स्पेयर, ये चार पांच चीजें बढ़ाने की मांग आई है, ये भी आपसे हम चाहते हैं कि बढ़ाएं। और मेरा पुनः सभी लोगों से आग्रह है कि आपको अपने गांव का ध्यान रखना है, गांव में क्या होना है हम जानते हैं, गांव में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। अभी पानी आएगा, गर्मी आएगी तो पानी की चिल्ला शुरू हो जाने, बरसात आ रही है पलंग अलंग डरे हो गुजारो भी, तो बजाओ ताली जोर से। अबे तो हम मांग कर रहे हैं, घोषणा ये कर रहे हैं, हम तो मांग करने वाले हैं। हाँ हाँ अभी खा ले, हाँ चलो सबरी बेल लेके आ गए, सुधा वहां खुआवे, हाँ हाँ चलो अभी हाँ हाँ हम आए हैं तो गाँव आए हम, चलो 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 चलो। तो हमारी मंदिरन खेड़ा के आसपास गांव आते हैं, जिला के आसपास गांव आते हैं, हमारी कोशिश है कि 5 साल में हर पंचायत पर एक शादी घर मंगल भवन आपका बने, ताकि आपको, क्योंकि आजकल घरों में जगह नहीं होती, स्कूलों में शादी करने को मना कर दिया गया है, स्कूल गंदी करते हैं, तो अच्छे से अच्छी व्यवस्था के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे गांव में हमने व्यवस्था कर दी। राहतगढ़ का वाटरफॉल आपने देखा, बहुत सारे लोग यहां बैठे, आप लोग वाटरफॉल तो जाते हो ना, लेकिन जैसा पड़ा था वैसा है कि और खराब हो गया, एक रेस्ट हाउस बनवाया था हमने 20 साल पहले, वो रेस्ट हाउस भी जब हम देखने गए तो आधा मिट गया है, अकेला आधा खड़ा है मुंडा, जैसे पेड़ काट दिया हो, और कोई भी क्या पहले चरण में छूट गए थे वो, या नर्सरी से इन्हें कर्ज लिया है वो क्या है? देखिए प्रथम चरण में हमने मध्य प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसानों का 7,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का काम, और प्रथम चरण में उन किसानों को शामिल करने का काम किया था जिनके कालातीत खाते थे, जिनके 2 लाख रुपये तक का जिनके ऊपर ऋण था, चालू खाते में 50,000 रुपये तक का जिनके ऊपर ऋण था उनको प्रथम चरण में हमने शामिल करने का काम किया। दूसरे चरण में उन किसानों को शामिल किया जा रहा है जिनके ऊपर 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक का जिनके ऋण है, जिनके चालू खाते हैं उनको शामिल, साथ ही साथ प्रथम चरण में किसी कारणवश से जिन किसान साथियों के कालातीत खाते थे जो बच गए थे उन किसानों को जो है अभी इस द्वितीय चरण में शामिल करने का काम किया। क्या टारगेट लेके चल रहे हैं कि दूसरे चरण में कितना कर लेंगे, क्या तीसरे चरण की भी आवश्यकता पड़ेगी, कि दूसरे चरण में ही सारा वो जितने आपके टारगेट किसान हैं उन सबका कर्ज माफ कर देंगे? हमने योजना का स्वरूप, उसका दायरा, उसका आकार बहुत बड़ा है, इसीलिए हम इसको चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसको लागू कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारी तैयारियां होती जा रही वैसे वैसे हम ऋण माफी को का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी सागर में एक बार प्याज घोटाला सामने आया था, इसमें संयुक्त संचालक भोपाल से कृषि विभाग ने जांच की थी, उनकी जांच के आधार पर जो है देवरी में FIR भी दर्ज हुई व्यापारियों पर, रेहली भी उसमें प्रस्तावित था कि इन व्यापारियों पर भी FIR हो, लेकिन रेहली में कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन पर गबन का आरोप होने के बावजूद भी 7 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए, तो रेहली को क्यों छोड़ा जा रहा है? ये कमलनाथ जी की सरकार है, इस सरकार में कोई भी माफिया, कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर किसानों के साथ में, हमारे प्रदेश की जनता के साथ में किसी प्रकार का भी अनियमितता करेगा उसको ये सरकार बख्शने वाली नहीं। आपकी सरकार से माफिया के खिलाफ बहुत जम के काम कर कार्रवाई कर रही है, आपने चिन्हित की है, मंडी में ही माफिया है, सागर मंडी में ही माफिया है, तो विगत 40 साल से जो कब्जा किए हुए आपने, आपको पता है कोई भी विभाग में जो भी माफिया है, जो कि हमारे
चाहे किसान हो चाहे प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। एक भी माफिया आने वाले समय में जो है वो बचने वाला। मंडी में चिन्हित किया आपने, कोई सा भी विभाग हो, चाहे मंडी हो चाहे कृषि विभाग हो चाहे मध्य प्रदेश के हमारे कोई सा भी विभाग हो, हर विभाग में कोई भी इस तरह का माफिया होगा उसकी आप खैर नहीं। मंडी में चिन्हित किया आपने, किए हैं उसके पे कार्रवाई भी करेंगे। कोई और सवाल करेंगे इसमें जो संचालक थे प्रवीण वर्मा उनको निलंबित कर दिया था, लेकिन रहली मंडी में ना जांच कराई गई ना कोई कार्रवाई। कहा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्षेत्र है और उसके बदहस्थ उनके बदहस्थ वाले जो व्यापारी हैं उनको छोड़ा जा रहा है। किसी का भी क्षेत्र, जब न्याय की बात आएगी ये सरकार जो है न्याय करने के लिए बैठी है और ये न्याय जो है हमारी सरकार हम लोग न्याय करने का। बड़े ही दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि भाजपा के नेता दलित की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। मैं जब उस दलित के घर गया तो उसके पिता ने बताया कि जब मेरे बेटे की अर्थी रखी जा रही थी उस अर्थी पर यहाँ के विधायक और उनके साथी लोग भाजपा के कार्यकर्ता लटक गए। वो चाहते थे कि अर्थी जमीन पर रखो और इस लाश पर हम राजनीति करें। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे दलित समुदाय के लोगों के लिए, उन्होंने लड़ के झगड़ के और हमारे जिला प्रशासन की मेहनत से वो अर्थी वहाँ तक गई, शमशान घाट तक, और उसका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन आज कल मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के लोग अभी भी नहीं मान रहे, शिवराज सिंह जी हो, नेता प्रतिपक्ष हो, यहाँ के और नेता लोग हों, सारे लोग सागर आते हैं और दलितों के नाम पर नौटंकी करते हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार राजनीति बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दलितों को किया है, आगे भी करेगी और पूरा संरक्षण देगी। मृतक की पत्नी ने बयान बदले हैं, वो बीजेपी के साथ जाके खड़ी हैं, कांग्रेस पर आरोप। मृतक के पिता और पूरा परिवार समझ रहा है, बहुत समझदार लोग हैं। पत्नी के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक जांच की बात मैं कह देता हूँ कि जाँच हो रही है और जाँच में जो भी पुलिस का अधिकारी दोषी पाया जाएगा हम उसको हटाने में एक सेकंड नहीं लगा। भाई अब TI को नहीं हटाया गया अभी तक, इतना सब कुछ हो चुका है। जांच होने के बाद में 2-4 दिन में आपको परिणाम मिल जाएंगे, जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई होगी। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।